आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करून बसू नका कारण काळ अपनी बड़ी बहन से पूछ रहा था कि सिस्टर
वाई वी आर ब्लैक, वाई वी आर पुअर, हम काले क्यों है, हम गरीब क्यों है। वो बड़ी बहन उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो 10 साल का नन्हा सा बच्चा शांत नहीं हो रहा था। उसकी बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा, हॉल के बाहर ले गई और हॉल के बाहर समुद्र का किनारा, समुद्र के एक किनारे पर एक गैस बैलून वाला गैस बैलून बेचता था। गैस बैलून समझते ना? उस गैस बैलून वाले का जब भी गैस बैलून गुब्बारा नहीं दिखता था, वो गुब्बारे वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीद देते। आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में भी खरीदने की इच्छा होती है। उस गैस बैलून वाले ने लाल गुब्बारे में गैस भरी, गुब्बारा उड़ाया, उड़ गया। पीले गुब्बारे में गैस भरी, उड़ाया, उड़ गया। वो काला बच्चा एक कोने में खड़ा था, जिसके दिमाग के कोने कोने में ये बात आ गई थी कि काला बच्चा, गरीब बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसने हिम्मत जुटाई, गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, काला गुब्बारा नहीं उड़ाते? क्या काला गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ाते कि काला गुब्बारा नहीं उड़ेगा? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सही जवाब दिया। उस गुब्बारे वाले ने भी यही कहा कि बेटा, काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता। गुब्बारा किस वजह से उड़ता? उस गुब्बारे वाले ने उस काले गरीब बच्चे ने बताया, बेटा उस काले गरीब बच्चे को बताया, मुझे कुछ आवाज आती है तो मेरी आवाज बंद हो जाती है, ये ऑटोमेटिक बटन है इधर। अगर आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, अपना काम छोड़कर आता हूँ, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुने। उसने उस काले गरीब बच्चे को बताया कि बेटा, तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास समय तो है, तुम्हारे पास एनर्जी तो है, और अगर तुम अपने दिमाग का, समय का, एनर्जी का उपयोग करोगे तो तुम भी एक दिन गुब्बारे की तरह उड़ सकते हो। दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता क्या? कोई अंतर होता क्या? अगर गरीब बच्चे का दिमाग की पढ़ाई में लगे, उसे पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी? और उस काले गरीब बच्चे ने अपने ऊपर संदेह करना और उसने अपने दिमाग का, समय का और एनर्जी का उपयोग किया और वो एक दिन एक स्टेट का मेयर बना। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एनर्जी होती है, लेकिन हम अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पाते। हमारे पास अवसर होता है, लेकिन हम अवसर को पहचान नहीं पाते और अवसर हमारे हाथ से चला जाता है। आप सभी बच्चे भी गुब्बारे की तरह है। अगर आप भी टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, अपने समय का उपयोग करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो आप भी एक दिन गुब्बारे की तरह उड़ेंगे। देखो, आज आप में से किसी का रंग काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, इसका संबंध आगे पढ़ने से नहीं है। आपके अंदर इच्छा कितनी है? अब
आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता क्या? नहीं। और आप सभी बच्चे सफल हैं। मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था, तो चलने से पहले आप बार बार गिरे थे, क्या करना हो? मेरी बात हर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपना सेशन खत्म होने के बाद किसी को भी बुला करके यहाँ बोलूंगा कि चार पांच लाइन बोलो, क्या समझा? इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था, तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर बार बार गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आप चलना सीख पाते क्या? यस और नो? जब आपने ए लिखना शुरू किया था, तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, यस और नो? और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है। आज भी आपको कई शब्द का नॉलेज नहीं है, कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। सफलता का कोई नया नियम नहीं है। जो काम आपने बचपन में किया, वही काम आपको जीवन भर करना है। और प्रयास करना किसके हाथ में है? सभी बच्चे बोल सकते हैं, प्रयास करना किसके हाथ में है? आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है या मुश्किल है? कितने स्टूडेंट आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? रेज योर हैंड्स। सभी बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, यस और नो? यस। एक प्रश्न और करता हूँ, जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? मिला। अभ्यास मिलने के बाद प्रयास चालू रखा या बंद किया? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं। कितने स्टूडेंट्स को महान व्यक्ति बनना है? रेज़ योर हैंड। देखो सर के साथ में आप लोग सब्मिट कर रहे हो, सबों को महान व्यक्ति बनना है। आपको क्या करना है? प्रयास चालू रखना या बंद करना है? और एक प्रश्न और करता हूँ, क्या आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है? सोचा है या नहीं सोचा है? आपने क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे? आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? नहीं किया हो तो वो डिसाइड कर लेना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे बस में सवार होते, आप बच्चे बस में सवार होते और बस का कंडक्टर पूछता कहाँ जाना है, बस का कंडक्टर क्या पूछता? आप बोलते मालूम नहीं। आप क्या बोलते? Bye.
बन पाएंगे क्या? नहीं। और अगर कुछ नहीं बन पाए तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आपके पास ऑप्शन नंबर वन है, ऑप्शन समझते क्या? ऑप्शन नंबर वन है 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। ऑप्शन नंबर वन क्या? आपको अगर पढ़ने की आदत हो जाए ज्यादा पढ़ने की, आप लोग हंसते क्यों हैं?
चाहिए? इस बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए या हंसना चाहिए? कोई नहीं हंसेगा, सब सपोर्ट करेगा। अगर आपको दो घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की आदत हो जाए तो आपको अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे? तो सब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग करता हूँ। बनना है, अच्छे काम करना, पैसे के लिए पैसे का गलत
इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप बस क्या करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर को बनना इम्पोर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर बन के आप क्या करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूल में 12 से 5:30 बजे तक खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आकर आप क्या करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ और आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, इनके लिए एक बार क्लैपिंग दोबारा कीजिए।